शहर में कैमरास लगे हुए हैं, उन कैमरास के माध्यम से एक तो क्या मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग अभय कमांड का औचक निरीक्षण किया। इसके पीछे पहला मकसद तो ये है कि जो हमारे स्टाफ लगे हुए हैं, कौन कौन हाजिर हैं, कौन समय पर नहीं आया, गैर हाजिर हैं, तो एक तो वो चेक करने का मकसद था। दूसरा, इसमें पूरे शहर में कैमरास लगे हुए हैं, उन कैमरास के माध्यम से एक तो क्या मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कुछ सॉफ्टवेयर्स की कमी है, वो क्या सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी पूर्ति की जाए ताकि अभय कमांड और बेहतर ढंग से, जैसे खास तौर से फेस आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो, ताकि जो ऑनलाइन चालान सिस्टम है वो यहाँ से जनरेट किया जा सके। 100 पे 112 पे 1090 पे जो कॉल्स आ रही हैं उनको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें क्या रिस्पांस टाइम है और किस पर्टिकुलर एरिया से कॉल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो एक वो भी हमारा उसमें मकसद रहा है। फिर जो हमारी जो पुलिस की गाड़ियां हैं, थाने की गाड़ियां हैं, आपके सिग्माज हैं, 112 है, 1090 है, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए फील्ड में छोड़ी हुई हैं, उनकी प्रॉपर मैपिंग और प्रॉपर ट्रैकिंग उनकी हो ताकि मिनिमम टाइम में वो अपने उस स्थल पर पहुंच सके और जो कोई डिस्ट्रेस में है उसको तुरंत सपोर्ट रिलीफ मिल सके। तो ये कुछ रहे हैं, कुछ इश्यूज आए हैं, तो अभी उनसे अलग अलग सबसे बुलाकर बात की जाएगी, क्या इसमें कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से जो है और बेहतर करें, और कुछ कैमराज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं और फिजिकली जाकर उनको जो है चेक करवाऊंगा ताकि शहर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जो है वो कैमराज इफेक्टिवली काम करें, उनकी जो रियल जो लगाने का मकसद है वो मकसद सही साबित हो, कैमराज जो है वो एक तरह से आपके परमानेंट सर्वेलेंस के सिस्टम हैं, आपका एक परमानेंट जो है, आप ये मान लीजिए कि एक सिपाही लगा हुआ है फील्ड में जो 24 घंटे अपना काम कर रहा है। तो ये कुछ कमियां थी, कुछ बातें थी जिनको देख के एक अभय कमांड को जो है देखा है, और मैं मानता हूं कि जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे ताकि और बेहतर सुपरविजन, रिकॉर्डिंग, प्रॉपर ट्रैकिंग, रिस्पांस टाइम में बेहतरी हो सके। सर, शुरुआती में यदि हम आप सुरक्षा की बात करें, ऐसा कौन सा लूप पॉइंट है जो सबसे बड़ी कमी के रूप में अभी सामने आया है सर? नहीं, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं, पहली बात तो ये है कि कुछ तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं, उन सॉफ्टवेयर जैसे आपका फेस रिकॉग्निशन का है, नंबर प्लेट जो है आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम DYT के माध्यम से गवर्नमेंट को और कंसर्न एजेंसी को रोड सेफ्टी और में जो है काफ़ी पैसा दिया जाता है, उसका मकसद ये है कि अगर सड़क पे चलने वाले को ये पता है कि मैं ऑनलाइन मेरा मॉनिटरिंग हो रही है तो वो एक्सीडेंट को हम चेक कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, जो पुलिस पे आरोप लगता है कि साहब वसूली हो रही है, तो वो ऑनलाइन जो चालान होगा उसके थ्रू उस पर भी अंकुश लगेगा। दूसरा जो है, हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो वो कुछ ट्रैकिंग की हमें लगी है, अभी उसमें और बेहतर करना ज़रूरी है ताकि मैपिंग हो, उस मैपिंग से हमें ये पता लगे कौन सी गाड़ी किस इलाके में घूम रही है, जहाँ डिस्ट्रेस कॉल आई उस डिस्ट्रेस कॉल के वो कौन सी गाड़ी नज़दीक है ताकि उसको तुरंत भेजा जा सके। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, हमने इनसे ये भी कहा है कि हमें डाटा जो महीने का महीने हमें सप्लाई करें, प्रोवाइड करें, ताकि उसमें हम ये देख सकें कि किस एरिया से 112 की 100 की जो कॉल है वो ज़्यादा आई है, पर्टिकुलर नेचर किस प्रकार की आई है, और हमने ये भी देखा है कि केवल सुपरविजन का काम केवल पुलिस के एक अधिकारी कर रहे हैं, जो बाकी स्टाफ बैठे हैं वो भी यदि इसमें हमारे पुलिस मित्र बनकर उस काम के साथ साथ इसको देखते रहें तो
हमारी मैन पावर की जो शॉर्टेज है वो इस तरह पूरी हो सकती है। और हर आदमी अलर्ट हो गया, यदि कैमरे के सामने बैठा है तो कोई भी घटना घटित हो रही है उसको दिख रही है तो तुरंत कंट्रोल रूम को इतला हो जाए तो वो तुरंत उसको जो है वहीं दैनंद देरी उसको पकड़ा जा सकता है। सर एक होली और लोकसभा।